डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। जैसा कि ये एग्जाम्स हमारे काफ़ी क्लोज हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज का तो 2 या 4 दिन में जो है इनऑर्गेनिक का एग्जाम है बीएससी सेकंड ईयर का, तो इसलिए मैं आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ। और दो या तीन लेक्चर में ही आपको इस सेक्शन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसके अंदर करवाऊँगा। तो सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हमें इन दो वर्ड का जो है पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मींस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, गुणात्मक, कि उसके गुण क्या है। और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, उसकी क्वांटिटी, मतलब परिमाणात्मक, कि भाई उसकी क्वांटिटी कितनी है, किस हिसाब से हमने कोई सैंपल को लेना है, किस हिसाब से हमने जो है उसका एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके क्या क्या चेंजेस हुए वो उसके अंदर क्या आ जाता है, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो कोई भी जो सैंपल लेते हैं हम, जिसका हमने क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है, सबसे पहले तो हमें हमारे 6 ग्रुप में अलग अलग साल्ट या अलग अलग कैटायंस या एनायंस को हमारा डिवाइड किया गया है। तो जो कैटायंस है जैसे आयरन है, जिंक है या कोई भी है, वो जो 6 ग्रुप हमारे क्लासिफाई किए गए, वो तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज की इस लेक्चर में मैं आपको जो बेसिक है इस यूनिट का, जो आपको अगर ये समझनी है तो वो चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊँगा। जिसके अंदर हम सबसे पहले तो बात करेंगे सरफेस, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली हमारी क्या होती है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है बेटा जो किसको स्टडी करती है, सरफेस फिनोमिना को। कोई भी वो फिनोमिना जो सरफेस के ऊपर हो रहा है वो क्या होता है हमारा, सरफेस फिनोमिना, और उसको जो स्टडी करेगी वो क्या हमारी, सरफेस केमिस्ट्री। जैसे ये हमारा कोई सरफेस है, इसके ऊपर हमारा ये कोई पार्टिकल प्रेजेंट है ऐसे, तो जो सरफेस है उसको तो बोलते हैं बेटा एडजोर्बेंट, और जो पार्टिकल इसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ है उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट क्या होता है, सब्सटेंस विच गेट एडजॉर्ब। ध्यान रखें भी मैं एडजॉर्ब लिख रहा हूं ना कि एब्जॉर्ब, इन दोनों में भी मैं आपको अंतर बताऊंगा कि एडजॉर्ब क्या होता है और एब्जॉर्ब क्या होता है। तो वो सब्सटेंस जो एडजॉर्ब होता है ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर, वो क्या होता है हमारा, एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेंट क्या है, वो सरफेस जिसके ऊपर कौन एडजॉर्ब हो रहा है हमारा, एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो रहा है। अब जैसे सपोज करो ये कोई आयरन सरफेस है, इसके ऊपर कोई वाटर वेपर हमारी यहां पे आकर के गिरी, क्या वो वाटर वेपर इस सरफेस के अंदर जा पाएगी, यस और नो, नहीं जा पाएगी। क्यों, क्योंकि ये सरफेस किसका है, आयरन का है, इसके अंदर कोई पोर नहीं है जिस कारण से जो वाटर वेपर अंदर एब्जॉर्ब हो पाए, क्या हो पाए, एब्जॉर्ब। इसलिए अंदर न जाने की वजह इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। तो अंतर समझ में आया, एडजॉर्ब तो क्या होता है, या बात करें हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ मोलिक्यूल ऑन सरफेस। मोलिक्यूल भी बोल सकते हैं या एडजॉर्बेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी एडजॉर्बेंट का एडजॉर्बेंट के ऊपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना और वहीं पे रिटेन रहना, बने रहना, वो क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। जबकि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब कोई पार्टिकल जो है सरफेस पे ना रह के उसके बल्क में एंटर कर जाए, बल्क मतलब उसकी थ्रू आउट बॉडी की बात करें। जैसे सपोज करो ये सरफेस आयरन का ना होकर के हमारी सोयल होती, मिट्टी होती, तो आपको पता है मिट्टी के ऊपर अगर हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, उससे जो पानी है हमारा, वाटर है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन, क्लियर है। अब ये जो केस हम बात कर रहे हैं, या तो लिक्विड एब्जॉर्ब होगा या सॉलिड एब्जॉर्ब होगा, लेकिन कई बार क्या होता है हमारा स्पेशल केस होता है, जब किसी सरफेस के ऊपर कौन एडजॉर्ब होती है, हमारी गैस एडजॉर्ब होती है, कौन एडजॉर्ब होती है, गैस एडजॉर्ब होती है।
उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, हमें क्या नाम देंगे उसको, ओक्लूजन। उसके लिए स्पेशल टर्म यूज की जाती है हमारा, जिसको क्या बोलते हैं हमें, ओक्लूजन। तो ओक्लूजन क्या है हमारा, कि जब सरफेस के ऊपर हमारी कौन एब्जॉर्ब होती है, स्पेशल केस गैस एब्जॉर्ब होती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हमें, ओक्लूजन। एक और वर्ड यूज होता है हमारा सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है, जब किसी सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हमें, ओक्लूजन। तो सॉर्प्शन क्या है, व्हेन बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एक और वर्ड यूज होता है हमारा डिसॉर्प्शन, जब हमें किसी सरफेस को हीट कर देते हैं, हीट करने से क्या वजह से वाटर वेपर एवेपोरेट हो जाएगी, तो एडजॉर्बेट का रिमूवल, एडजॉर्बेट का एडजॉर्ब होना तो क्या था, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट का रिमूवल वो क्या कहलाएगा हमारा, डिसॉर्प्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी हमारी जो इनऑर्गेनिक एनालिसिस के अंदर हमारे, जैसे एक टर्म है ओक्लूजन, एब्जॉर्प्शन, ये टर्म्स हमारी काफी यूज होती हैं। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या हमारा प्रेसिपिटेशन, क्या होता है बेटा प्रेसिपिटेशन, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, कि कितनी कंसेंट्रेशन ऑफ आयन प्रेजेंट है इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, उसकी प्रोडक्ट क्या कहलाता है हमारा, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, अब कई बार ये वैल्यू क्या कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, सॉल्यूशन एक्सीड्स वैल्यू ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक्सीड्स वैल्यू ऑफ ए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सब्सटेंस। तो जब वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उससे भी ज्यादा हो जाती है, तब वो क्या हो जाती है, एज पीपीटी सेपरेट हो जाती है। कैसे, इसको एक बार एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कीजिए ये कोई हमारा सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने डाल रखा है PbCl2। अब ये जो लेड क्लोराइड हमने डाल रखा है, शुरुआत में किस फॉर्म में हमारा, सोल्यूबल है, सोल्यूबल फॉर्म में। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है हमारी, KSP वैल्यू लिखते हैं हम इसको। पहले तो PbCl2 किस में टूटेगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। अगर आपने इक्विलिब्रियम यूनिट पढ़ रखी है तो उसमें हम लेके चलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए, पूरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए लेक्चर अलग से लगेगा, वहां पे मैं पूरा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जैसे एक कैटायन के लिए हम इसको एस मान लेते हैं, प्लस में, या प्लस की जरूरत नहीं है सॉरी, इसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे, ये कितना हो गया 2s, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ गई इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गई। तो जब हम इसकी जो कंसंट्रेशन है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू एक्सीड कर जाती है, इसकी वैल्यू एक्सीड आ जाएगी, इससे ज्यादा जब वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यू जब आ जाएगी, तो वो जो कंपाउंड है किस फॉर्म में अलाइन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। उसके बॉटम के ऊपर क्या बनने लगेंगे बेटा, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बनने लगेंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हमें प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब प्रेसिपिटेशन भी हमारा कई टाइप का होता है, जैसे को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, जो एग्जाम के अंदर मोस्टली हर साल आपसे पूछा जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे को प्रेसिपिटेशन क्या होता है और उसके लिए जो है किस किस बात पे जो है को प्रेसिपिटेशन डिपेंड करता है, कैसे वो एब्जॉर्ब हुआ। तो क्या हमारा नेक्स्ट है, को प्रेसिपिटेशन। क्या हमारा को प्रेसिपिटेशन, इट इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विद अदर सब्सटेंस is known as co-precipitate। क्लियर है, मतलब
जब जो हमारा पीपीटी बना है अभी जैसे इससे पहले वाले डेफिनेशन में हमने पढ़ा, जब सोलवेंटिक प्रोडक्ट से वैल्यू एक्सीड कर जाती है, ज्यादा आ जाती है, तो किस फॉर्म में आ जाता है? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाता है। तो जब प्रेसिपिटेट कंबाइन हो जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? हमें को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब को प्रेसिपिटेट किस कारण से होगा? अब मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया था एब्जॉर्प्शन। क्यों बताया था भाई एब्जॉर्प्शन? क्योंकि को प्रेसिपिटेशन के केस में क्या होता है? हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारा प्रेसिपिटेट बने थे, ये जो पार्टिकल बने थे, हमारे पीपीटी बने थे, ये दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन हो जाता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस कारण से उसकी क्या हो जाती है? को प्रेसिपिटेशन। तो को प्रेसिपिटेशन किस कारण से होती है? को प्रेसिपिटेशन अकर्स ड्यू टू, इसके लिए क्या हो सकता है हमारा? एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एब्जॉर्प्शन किस केस में होगा? जब हमारा जो प्रेसिपिटेट जो कंबाइन हुआ है दूसरे सब्सटेंस के साथ, वो सॉलिड या लिक्विड होगा। लेकिन अगर वो गैस होगा तो उस केस में मैंने आपको अभी बताया स्पेशल केस होता है क्या हमारा? ऑक्लूजन। क्लियर है? तीसरा क्या रीजन है हमारा, किस कारण से हो सकता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कंटेमिनेट्स ऑन सरफेस ऑफ पार्टिकल ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन हो जाए कंटेमिनेट का, कंटेमिनेट यहां पे एक प्रकार से हमें इंप्योरिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस जिसके साथ कंबाइन हो रहा है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जब एब्जॉर्प्शन हो जाए कंटेमिनेट का उस दूसरे सब्सटेंस का ऑन सरफेस ऑफ पार्टिकल ऑफ प्रेसिपिटेट, किसके साथ है? प्रेसिपिटेट के साथ में, उस केस में भी क्या हो जाएगा हमारा? को प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, आयरन सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस गेट प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है किसके साथ है? बेरियम सल्फेट के साथ। मतलब इसकी बेरियम सल्फेट के साथ में क्या हो जाती है बेटा? को प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अब कितना प्रेसिपिटेट जो है वो कंबाइन हो रहा है दूसरे सब्सटेंस के साथ है, उसकी अमाउंट किस बात पे डिपेंड करती है? मतलब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी हमारी? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किस किस बात पे डिपेंड करता है? तो क्या लिखेंगे हम? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन। अब जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है बेटा हमारी, मेनली वो दो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला तो जो प्रेसिपिटेट हमने लिया है उसका नेचर क्या है? नेचर का मतलब वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल है, या बिल्कुल इनसोल्यूबल है। तो सबसे पहला क्या है कि भाई उसका नेचर कैसा है? ऑन नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट, कि भाई प्रेसिपिटेट का नेचर कैसा है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? ऑन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, कि भाई कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा भाई, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो को प्रेसिपिटेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी प्रेसिपिटेट की, वो उतना ही ज्यादा कंबाइन करेगा किसके साथ? दूसरे सब्सटेंस के साथ, और उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका? एब्जॉर्प्शन होगा। तो क्या लिखेंगे? नोट में लिख सकते हैं हम इसको, इफ कंसंट्रेशन इज हाई देन को प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो हाई। क्लियर है? कंसंट्रेशन अगर उसकी ज्यादा होगी तो उसकी को प्रेसिपिटेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है, कम का मतलब अगर हम उस सॉल्यूशन को क्या कर दें? ज्यादा डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट का मतलब वॉटर ऐड कर दें, तो क्या है? इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड देन को प्रेसिपिटेशन इज डिक्रीजेस, तो उस केस में को प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगी हमारी? डिक्रीज कर जाएगी। तो मैंने जिक्र किया था ऑक्लूजन का, तो अब हम उसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्लूजन है क्या है? तो क्या ऑक्लूजन? इट इज डिफाइंड एज ए स्पेशल केस
ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्या भी एक स्पेशल केस है किसका, एब्जॉर्प्शन का, एंड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स एंड द प्रेसिपिटेट। क्लियर है, किस दौरान होता है, जब किसकी ग्रोथ हो रही हो, प्रेसिपिटेट्स की, जब क्रिस्टल बन रहे होंगे या प्रेसिपिटेट बन रहे होंगे, उनकी ग्रोथ जब हो रही होगी तो उनके सरफेस के ऊपर गैस पार्टिकल भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, उस प्रोसेस को या वो जो हमारा स्पेशल केस एब्जॉर्प्शन का, उसको क्या नाम दिया जाता है, हमारा ऑक्लूजन नाम दिया जाता है। क्लियर है, तो ये क्या था बेटा हमारा कोप्रेसिपिटेशन। इसके बाद क्या आता है हमारा पोस्ट प्रेसिपिटेशन। देखो वर्ड होते हमारे प्री और पोस्ट। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। तो क्या है हमारा पोस्ट प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन के बाद जो होगा वो क्या हमारा पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो क्या हुआ, इफ ए सॉल्यूशन कंटिन्यूस या कंटेन टू और मोर आयंस, कि भाई सपोज करो हम जिसके पीपीटी बना रहे हैं वो अकेला हमारा जो है प्रेसिपिटेट नहीं है, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, आयंस है, विच कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट, जो क्या बना सकते हैं, प्रेसिपिटेट बना सकते हैं बाय सेम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, बाय सेम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। क्लियर है, तो क्या देखा गया है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सम आयंस, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सम आयंस मे बी प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट रेडली। कुछ जो आयन होंगे, जैसे हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे, कुछ आयंस तो उसी टाइम पे क्या बना देंगे बेटा, प्रेसिपिटेट। रेडली का मतलब क्या होता है, तेजी से, ठीक है, जबकि वाहिल सम अदर मे बी प्रेसिपिटेट स्लोली। कुछ जो प्रेसिपिटेट बनाएंगे स्लोली बनाएंगे, जो बिल्कुल डिपेंड करेगा किसके ऊपर, विच डिपेंड अपॉन, विच डिपेंड अपॉन देयर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर। तो दोबारा से देखेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन का मतलब बाद में, मतलब शुरुआत में हमने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला, जैसे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला एक आयंस ने इमीडिएटली रेडली क्या बना दिए, प्रेसिपिटेट। लेकिन कुछ आयंस जो क्या पढ़ा था हमने, टू और मोर आयन, तो जो दूसरे आयन है वो प्रेसिपिटेट क्या बनाएंगे, स्लोली। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। तो एग्जाम में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी क्या आती है हमारी डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन आएगी हमारी, इट इज ए सेकेंडरी प्रेसिपिटेशन, सेकेंडरी प्रेसिपिटेशन ऑफ अनदर सबस्टांस, अनदर सबस्टांस ऑन द पार्टिकल्स ऑफ प्राइमरी प्रेसिपिटेटेड सबस्टांस। क्लियर है, ये एक प्रकार से सेकेंडरी प्रेसिपिटेशन है। सेकेंडरी मतलब बाद में होने वाली प्रेसिपिटेशन है किसी दूसरे सब्सटेंस की, लेकिन होगी किसके ऊपर, जो पार्टिकल रेडली प्रेसिपिटेट हुए थे उसके ऊपर। तो क्या आती है बेटा हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब पोस्ट प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर को प्रेसिपिटेशन होगी या पोस्ट प्रेसिपिटेशन होगी। तो क्या है हमारा नेक्स्ट कंडीशन फॉर पोस्ट प्रेसिपिटेशन,
तो सबसे पहले तो कंडीशन क्या है कि जो सबस्टांस है वो क्या होना चाहिए, स्पैरिंगली सोल्यूबल। स्पैरिंगली सोल्यूबल का मतलब क्या, वो कम घुलनशील होना चाहिए, क्योंकि वो लेस सोल्यूबल है, स्पैरिंगली सोल्यूबल है, तभी उसके पीपीटी लेट बनेंगे। ठीक है, तो क्या पहला हमारा सबस्टांस, सबस्टांस मस्ट बी स्पैरिंगली सोल्यूबल। क्या होना चाहिए, स्पैरिंगली सोल्यूबल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, व्हेन कैल्शियम आयंस आर प्रेसिपिटेटेड एज कैल्शियम ऑक्सलेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस देन मैग्नीशियम ऑक्सलेट इज पोस्ट प्रेसिपिटेटेड। वो क्या होगा भाई, बाद में उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे ऑन पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो ये क्या केस हो गया भाई हमारा, एक प्रकार से पोस्ट प्रेसिपिटेशन का केस हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि सब्सटेंस क्या होना चाहिए, स्पैरिंगली सोल्यूबल। तो इसके अंदर जो मैग्नीशियम आयन हो क्या है, स्पैरिंगली सोल्यूबल है। जैसे हमने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला कैल्शियम, तो भाई प्रेसिपिटेट बना गया इमीडिएटली, क्या बना गया, कैल्शियम ऑक्सलेट। ये क्या हो गया हमारा, प्राइमरी हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है मैग्नीशियम आयन भी क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सलेट बनाता है, जो पोस्ट प्रेसिपिटेटेड होगा किसके ऊपर है, कैल्शियम ऑक्सलेट के पार्टिकल्स के ऊपर। क्लियर है, तो ये क्या होगी, एक प्रकार से इसके लिए कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट भी लिख सकते हैं कि भी जो पोस्ट प्रेसिपिटेशन, उसको हम रीप्रेसिपिटेशन भी कर सकते हैं। द पोस्ट प्रेसिपिटेशन कैन बी रिमूव्ड बाय रीप्रेसिपिटेशन। उसके हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, रीप्रेसिपिटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, किस केस में हम प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए मेनली हमारी पांच या छह कंडीशंस हैं जो हमारी फॉलो होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ऑप्टिमम कंडीशंस। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमारी क्या होगी कि जो भी रिएजेंट हम लेंगे वो हमने मॉडरेटली डाइल्यूट फॉर्म में लेना है। मॉडरेटली डाइल्यूट मतलब उसके अंदर हमने ज्यादा वाटर ऐड नहीं करना है। तो क्या होगा, द रिएजेंट शुड बी टेकन इन मॉडरेटली डाइल्यूट फॉर्म। किस फॉर्म में लें भी, उसको मॉडरेटली डाइल्यूट फॉर्म में लें। सेकेंड हमारा क्या होगा कि जो रिएजेंट हम ऐड करेंगे, वो जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है वो हमने स्लोली स्लोली ऐड करना है। जैसे ये हमारा मान लिया बीकर है, इसके अंदर जिसके हमने पीपीटी बनाना है, तो पहली दो कंडीशन क्या है, जो रिएजेंट है वो किसके अंदर होना चाहिए, मॉडरेटली डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होना चाहिए। दूसरा क्या है, जब हम इसके अंदर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे तो क्या होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना चाहिए। द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट शुड बी एडेड स्लोली। क्लियर है। तीसरा, जब हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसकी बहुत ज्यादा अमाउंट कर देंगे और उसके अंदर क्या आ जाएगी, सुपर सैचुरेशन आ जाएगी। द सुपर सैचुरेशन शुड बी टू ए लेसर एक्सटेंट। ये भी सुपर सैचुरेशन क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कम से कम होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, कि जो प्रेसिपिटेट है उसको हम गर्म करें और फिर उसको थोड़े से कई घंटे के लिए क्या रखें, ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि उसके क्या बन सके, प्रेसिपिटेट बन सके। तो क्या होगा, द प्रेसिपिटेट इज ए वार्म एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर ए
few hours, which stop या क्या बोल सकते हैं हम, check the precipitation, जो किसको रोक सके, precipitation. फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा कि जो भी प्रेसिपिटेट है अब हमने उसको क्या करना है, उसको थोड़ी देर रखने के बाद उसको ठंडा करना है और फिल्टर करना है. द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड एंड डिजोल्व इन सम एसिड. इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, उसको डिजोल्व कर देंगे किसी एसिड के अंदर और फिर क्या डालेंगे उसके अंदर, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट टू एलिमिनेट पोस्ट प्रेसिपिटेशन. कि भाई और कोई आयन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसकी प्रेसिपिटेशन ना हो, उसके लिए क्या डाल देंगे उसके अंदर, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट. और लास्ट पॉइंट क्या होगा, फाइनली द प्रेसिपिटेट शुड बी वॉश्ड, उसको जो अच्छे से क्या करना हमने उसको वॉश करना है विद ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ में ऑफ ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट. इसका यूज करते हुए एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का जो हम उसके लिए यूज करेंगे. तो ये छह स्टेप है. पहला स्टेप है जो रिएजेंट हमने डाइल्यूट फॉर्म में लेना पड़ेगा, मॉडरेट डाइल्यूट, ना ज्यादा ना कम. प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो है वो स्लोली ऐड हमने करना है, ऐसा नहीं हो कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बहुत ज्यादा ऐड कर दे और उसकी सुपर सैचुरेशन हो जाए, वो नहीं होनी चाहिए. जो प्रेसिपिटेट उसको वार्म करेंगे और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे जिससे क्या हो जाएगी उसकी प्रेसिपिटेट रुक जाएगी. फिर जो प्रेसिपिटेट उसको वार्म करेंगे, सॉरी, फिर जो प्रेसिपिटेट उसको फिल्टर करेंगे और किसी एसिड या फिर कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल देंगे ताकि क्या ना उसके अंदर पोस्ट प्रेसिपिटेशन. अभी पढ़ा था हमने पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या है. और लास्ट में जो भी पीपीटी बनेंगे उसको वॉश कर लेंगे एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ, एक स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट के साथ. क्लियर है? तो ये क्या था हमारा, प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, उसके लिए कंडीशंस और ऑप्टिमम कंडीशन. नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.